नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने हाल ही में मिसेज बुंदेलखंड 2024 का खिताब जीता है। चलिए मिलते हैं प्रियंका सोनी जी से। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार प्रियंका जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने एक इतिहास रचा है, उसके लिए बंजारा बीट आपको बधाई देता है। प्रियंका जी, ये बताइए कि असल में आपका परिचय कहाँ क्या है, कहाँ की आप रहने वाली हैं, कहाँ पैदा हुई और शिक्षा आपकी कहाँ हुई? मेरा नाम प्रियंका सोनी है। मेरा जन्म स्थान टीकमगढ़ है। मेरा पारिग्रहण झांसी हुआ है। मेरे पति का नाम मिस्टर विकास सोनी है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। मेरे दो बच्चे हैं, उनका नाम यशस्वी, बेटे का नाम दिव्यांश सोनी है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बेटी मेरी 12th में है, बेटा मेरा 8th में है। प्रियंका जी, आपके अंदर ये ललक कैसे आई कि आपको अब इस एज में जाके ऐसा कुछ नया धमाका करना चाहिए जो आपने करके दिखाया? इस तरीके के प्रोग्राम मैं पहले स्कूल में, कॉलेज में करती रही हूँ, पर उतना ही किया मैंने एक एज तक। लेकिन इसमें जो मुझे प्रोत्साहन दिया है, ये मेरी बेटी ने दिया है। बेटी ने? हाँ सर, मेरी बेटी ने मुझे ये प्रोत्साहन दिया है। आज ये जो मैंने अचीव किया है, मैं अपनी बेटी को ही इसके लिए धन्यवाद कहूँगी कि उसने मुझे ये सब करने में मेरा सपोर्ट किया। मेरे पति ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सहयोग दिया कि मैंने ये अचीव किया है। प्रियंका जी, आपके क्या क्या शौक हैं जो दुनिया को अभी पता ही नहीं? वैसे तो मुझे बुक्स पढ़ना, डांस करना, नई नई जगहों पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं अपने जो मैंने ये अचीव किया है, मैं इस फील्ड में भी आगे जाना चाहती हूँ। मैं एक मॉडल के रूप में आना चाहती हूँ कि मैं आगे चल के एक अच्छी मॉडल बन सकूँ और आगे कुछ करूँ अपनी लाइफ में। प्रियंका जी, आपके अपने परिवार में इस तरह का कोई, किसी ने पीछे काम किया है या आपके मन में बस जिज्ञासा पैदा हुई और आपने ये काम शुरू किया? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं, लेकिन बस मुझे अपने आप से ये हुआ था कि मुझे ये करना चाहिए। तो ऐसे मैंने आपको, जैसे कि पहले बताया, मैंने कई बचपन में ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, लेकिन यहाँ शादी के बाद में भी मैंने कई कॉन्टेस्ट जीते हैं। जैसे कि गनगौर कॉन्टेस्ट था, वो भी मैंने जीता है। हरियाली क्वीन भी जीता है। और अभी ये रिसेंटली मैंने 2024 में मिसेस बुंदेलखंड का ये टाइटल भी जीता हुआ है। स्कूलिंग लाइफ में आपने किस तरह के प्रोग्राम में आपने मंचों को शेयर किया? ये वार्षिक उत्सव जो होते थे, उसमें आपके ये 26 जनवरी 15 अगस्त इस तरीके के जो प्रोग्राम स्कूलों में हुआ करते थे कार्यक्रम, उसमें मैंने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया हुआ है। हमेशा मैं इस चीज़ को सबसे पहले रहती थी कि इस तरीके की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। मैं प्रियंका जी, आपके अपने परिवार में कोई, जैसे आपने एक मॉडलिंग के मूड बनाया है, तो आप चाहेंगी कि आपके परिवार में और भी आपके बच्चों को, बेटी को भी इस मामले में आगे मौका में देंगी आप? हाँ ऐसा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडलिंग एक गलत व्यू से ही देखा जाए। आज के ज़माने में मॉडलिंग भी कई तरीके की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें छोटे कपड़ों का ही प्रदर्शन हो, आप साड़ी में, सूट में, आप लहंगे में, इस तरीके से आप कर सकती हैं। इसलिए मेरी नज़र में ये लाइन गलत नहीं है। बातचीत के दौरान आपने बताया था कि आप बहुत सारी पत्रिकाओं में आप मॉडल की तरह, कवर पेज की तरह आप आना चाहती हैं। हाँ सर, उसका उद्देश्य क्या है आपके जीवन में? बस एक पहचान बनाना। जैसे मैं कभी, जैसे ये जो बुक्स होती है, जैसे बनीता मेरी सहेली, जब मैं उसकी फ्रंट पेज पे किसी लेडीज को देखती थी, तो मैं ये सोचती थी कि काश ऐसा हो सकता है, क्या मैं भी कभी फ्रंट पेज पे आ सकती हूँ। तो ये विचार एकदम बैठी थी और आया मुझे, तब मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है। देखा गया है कि महिलाएं सौंदर्य के प्रति बहुत सजग रहती हैं और वो इस पे कामयाब भी होती हैं। आपके जीवन में आपके जीवन साथी का इस मुद्दे पे क्या योगदान मिला? आज मैं, मतलब मेरी जो भी सुंदरता है, उसमें सबसे ज़्यादा तो योगदान इन्हीं का है, क्योंकि मुझे अपने कलर को लेके थोड़ी सी शंका होती थी कि मेरा कलर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे ये नहीं फील कराया कि तुम्हारा कलर इस तरीके का है और तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने पति को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि कभी भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं कराया कि मेरा कलर औरों की अपेक्षा इस तरीके का है।
अब जब आप मिसेस बुंदेलखंड के नाम से झांसी में जानी जाती हैं, कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा, मतलब मैं एक गृहिणी के साथ साथ कब मैंने ये टाइटल जीता मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे ये जीतने के बाद फील होता है कि जो ब्यूटी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। प्रियंका जी, आपने इस यात्रा को बुंदेलखंड मिसेज बुंदेलखंड में किस तरह की मेहनत की और किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुंची, उसको हमारे दर्शकों के साथ संक्षिप्त में शेयर कीजिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि असल में पहुंची कैसे आप। बस एक दिन मैं रील्स देख रही थी, तो रील्स में मैंने सुपर मॉम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अपना फॉर्म फिल किया। उसके बाद सडनली ये मिस्टर मिसेस बुंदेलखंड का ऑडिशन आया, तो मैंने उसको बुक किया, अपनी रजिस्ट्रेशन कराया। मैं ऑडिशन देके आई, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। सेकंड स्टेज थी, मैं और उसके आगे गई, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई और मुझे सपोर्ट भी मिलता गया। फिर मुझे ये फील हुआ कि आप इससे भी अच्छा कर सकती है। अब आने वाले समय में मिसेज यूपी का भी कॉन्टेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसमें भी पार्ट लूँ। लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीज़ें फेस की कि मतलब इस प्रतियोगिता के साथ साथ मुझे परिवार भी संभालना है, मुझे बच्चे भी देखना है, मुझे ये कॉन्टेस्ट भी जीतना है। तो थोड़ा सा रहा कि व्यस्तता रही, लेकिन हाँ मैंने उसको कर लिया। इस अचीवमेंट के बाद उन लोगों को कैसा लगा जो आपसे तपते थे? पता नहीं, लेकिन मुझे उनसे भी बहुत प्रेम है, तो मैं यही कहूंगी कि शायद उनकी जलस ही मुझे ताकत देगी। मानती हैं ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में? बिल्कुल। प्रियंका जी, आपके जो शौक, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि आपको घूमना टूरिज्म भी अच्छा लगता है, तो कहाँ कहाँ अब तक आप होके आई हैं? मैं काफ़ी हिल स्टेशन घूम के आई हूँ, मनाली, दार्जिलिंग, कोटेकनाल और ऊटी, शिमला, काफ़ी जगह मैं घूम के आई हूँ। अगर आपसे पूछा जाए आपकी शादी को कितने बरस हो गए? मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि आपके 19 वर्ष में आपके पति के साथ कोई ऐसी टर्निंग पॉइंट वाली कोई बात हुई हो, तो वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस मुकाम तक आप आई हैं तो यात्रा तो लंबी है ही। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का सहयोग जो रहा, उससे कभी ये नज़रिया बना ही नहीं कि कुछ अपोजिट है। एक दूसरे की सोच समझ से ही आगे बढ़ते गए, और कब बहुत सी विपरीत चीज़ें भी समझने आने लगी ये पता ही नहीं चला। मैं आपके सर पर ये क्राउन देख रहा हूँ, कभी क्या आपके पति ने ये देख के कुछ रिएक्ट किया था? हाँ सर, जब मैंने ये ट्रॉफी और ये क्राउन लिया था, तो उनके आंख में हंसू थे खुशी के। ये मेरे लिए बेस्ट विशेस थी। प्रियंका जी, अगर आपसे आज की परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जाए कि आपकी कोई दो ख्वाहिश हैं जिसको अभी आपको पूरा करना बाकी है, क्या हो सकती है? एक तो मुझे अपने बच्चों के लिए जो फ्यूचर में सोच रही हूँ वो अचीव करना है। क्या सोच रही हूँ? कि मेरे मैं दोनों जो बच्चे हैं वो अच्छे एजुकेशन लें, और जो वो चाहते हैं उस मुकाम को वो दोनों हासिल करें। और दूसरी? दूसरा ये कि मेरा परिवार जो है वो हमेशा खुश रहे और मेरे साथ रहे, क्योंकि बिना इनके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं। प्रियंका जी, आपके इस सौंदर्य यात्रा में जो आपने अचीव किया है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा होगा, क्या आप चाहेंगी उनका नाम लेना? हाँ सर, बिल्कुल। इसमें मेरे सबसे पहले जो योगदान मेरे लिए रहा है, मेरी बड़ी नंद संगीता सोनी, मेरी मित्र रजनी सिंह, नंदिनी लोहिया, दीप्ति सोनी और खुशबू गुप्ता, इन्होंने मुझे बहुत सहयोग भी दिया और प्रोत्साहन भी बढ़ाया। आने वाले कल में अगर आपको कोई बड़ा मतलब असाइनमेंट मिले मॉडलिंग में या फिल्म लाइन में, तो क्या आपकी पारिवारिक परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने के लिए अनुमति देती हैं? हाँ सर, मुझे लगता है कि मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी भी मोड़ पे थोड़ा बहुत हमारा सहयोग ना भी हो, लेकिन वो मुझे समझते हैं और मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे और मेरे साथ ही चलेंगे, इसलिए मुझे कोई भी चीज़ अलग नहीं लगती। उनका मेरे प्रति प्रेम है, मेरे लिए अपनापन है, इसलिए मेरी सेफ्टी के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है आपके। हाँ, आप जो चाहेंगी। हाँ, वो जो चाहेंगे नहीं, जो सही होगा वो मेरे लिए सही ही सलाह देंगे। तो ये थी प्रियंका सोनी, जो अपने
परिवार की यात्रा, अपनी मिसेज बुंदेलखंड तक पहुंचने की यात्रा को बंजारा बीट के साथ बड़ी उन्मुखता से शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।